के नेतृत्व पर जो विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी, वो विश्वास में खरा उतरेगी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की सिर्फ एक और एक ही वजह है, और वो है नरेंद्र दामोदर मोदी। मोदी मैजिक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। आज आजादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय होने के साथ साथ पहली बार इस 125 करोड़ के देश में किसी एक राजनीतिक नेता ने गरीबों के मन में अपने भविष्य के लिए श्रद्धा पैदा की है। यूपी में क्षेत्रीय दलों के दबदबे को पीएम मोदी ने एक ही चुनाव में खत्म कर दिया। ये ब्रांड मोदी का कमाल था कि मुस्लिम क्षेत्रों में भी बीजेपी ने जीत का कमल खिलाया। मोदी वन मैन आर्मी बन गए। पूरा मैच विपक्ष 11 बनाम मोदी बन गया। नतीजों से पहले ही अखिलेश को बुआ याद आने लगी। आज बुआ और बबुआ एक जैसा गम बांटने को मजबूर है। पूरे देश में छोटी बड़ी हर पार्टी में खलबली है कि पीएम मोदी की चमक को कैसे फीका किया जाए, लेकिन किसी को तोड़ नहीं मिल रहा। ऐसे में ले देकर सांप्रदायिकता की आड़, ईवीएम की गड़बड़ी के बहाने हार की शर्म छिपाई जा रही है। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। पीएम मोदी के मैजिक को समझने के लिए आंकड़े देखिए। 2007 में बीजेपी को महज 51 सीटें मिली थी। 2012 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47, लेकिन 2017 में बीजेपी की सीटें 47 से बढ़कर 325 तक पहुंच गई, यानी 6 गुना से भी ज्यादा। सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा जनमत सिर्फ पीएम मोदी ही दिला सकते हैं। विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुल 22 रैलियां की, जिनमें से 17 जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, यानी नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 77% रहा। प्रधानमंत्री जी को जब एनडीए के सारे संसद सभ्यों ने नेता चुना, उस वक्त संसद के भवन में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासी और किसानों की सरकार है। और ये भाषण आज 3 साल के बाद हम कह सकते हैं कि भाषण ये महज भाषण नहीं था, उस भाषण के पीछे प्रधानमंत्री जी का कर्तृत्व और परिश्रम मिलकर ये सरकार ने सिद्ध कर बताया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए जिनके सामने यूपी के दोनों अच्छे लड़कों का कद छोटा नजर आने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी ब्रांड मोदी के सामने टिक नहीं सके। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर और हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली मायावती का कद बहुत घट गया है। ब्रांड मोदी के सामने विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस संसद से लेकर तमाम राज्यों तक लगातार सिमटती जा रही है। मुलायम सिंह, मायावती और नीतीश जैसे नेता ब्रांड मोदी से बहुत पीछे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में भी मोदी के कद का कोई नेता नहीं है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की बजाय मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। पीएम होकर भी मोदी राज्यों में कई सीएम के खिलाफ लड़े और जीते। साफ है, पीएम मोदी का कद भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा हो गया है। अब बीजेपी को 2019 की राह भी आसान लग रही है।